12 घंटे से सीबीआई की तथा कथित छापा 10 सर्कुलर रोड पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास पर चल रहा है। सीबीआई को कुछ हाथ नहीं लगी है, बदतमीजी पर उतारुआ हो गया है। सीबीआई के अधिकारी गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ जितने भी और हमारे लोग हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। मैं इस कार्रवाई की भर्त्सना करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, आज सुबह सुबह ही लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड मारा और 6 घंटे तक लालू प्रसाद यादव से दिल्ली में सीबीआई की टीम ने पंडारा पार्क स्थित मीसा भारती के आवास पर पूछताछ की। पटना के राबड़ी आवास पर भी सुबह से रेड चल रहा है, कई ठिकानों पर सीबीआई ने रेड किया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, आरजेडी की ओर से सीबीआई के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पिछले 12 घंटे से सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है राबड़ी आवास पर, टेंट सर्कल रोड स्थित राबड़ी आवास पर। हालांकि अब तक सीबीआई को क्या कुछ साक्ष्य मिले हैं लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ, ये अब तक सीबीआई ने स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन फिलहाल सीबीआई के ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किए गए हैं जिसमें साफ साफ कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव सहित उनके 2 बेटियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। लेकिन आरजेडी ने कहा है कि अब सीबीआई को कोई साक्ष्य नहीं मिल रही है तो वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, राबड़ी देवी के साथ गाली गलौज की है सीबीआई के अधिकारियों ने। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, आरजेडी ने गंभीर आरोप लगाए हैं राबड़ी देवी के साथ सीबीआई के अधिकारियों ने गाली गलौज की है, दुर्व्यवहार कर रहे हैं जब कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं तो। साथ ही राबड़ी आवास पर तैनात जो सुरक्षा कर्मी है और वहां पे मौजूद पदाधिकारी और नेता हैं उनके साथ भी सीबीआई के अधिकारी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, जरा आप सुनिए। 12 घंटे से सीबीआई की तथा कथित छापा 10 सर्कुलर रोड पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास पर चल रहा है। सीबीआई को कुछ हाथ नहीं लगी है, बदतमीजी पर उतारुआ हो गया है। सीबीआई के अधिकारी गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ भीतर में जो और हमारे लोग हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। मैं इस कार्रवाई की भर्त्सना करता हूं। कानून को अपने दायरे में रह करके काम करनी चाहिए, कानून को भी कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है। और सीबीआई के अधिकारियों का यह बर्ताव दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं सीधे चार्ज करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को कि आपने जो तोता पाल रखा है उस तोता ने अभद्र व्यवहार किया है, यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो राबड़ी आवास पर पूरे दिन नेताओं का जमावड़ा लगा रहा और अंदर सीबीआई की रेड चलती रही। 12 घंटे के रेड में सीबीआई को कोई भी वैसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जिसके आधार पर वो लालू परिवार को दोषी ठहरा सके। और इस बीच आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि सीबीआई को अब जब कुछ साक्ष्य नहीं मिल रहा है, जब सीबीआई खाली हाथ है तो वो गुस्से में अब राबड़ी देवी के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, राबड़ी देवी के साथ गाली गलौज की है सीबीआई की टीम ने। ये बड़ी खबर इस वक्त की बिहार के सियासत से जुड़ी हुई। देखिए, आज सुबह सुबह ही सीबीआई ने लालू यादव के 17 ठिकानों पर रेड किया। दिल्ली में लालू यादव से 6 घंटे तक पूछताछ की सीबीआई की टीम ने। राबड़ी आवास पर लगातार सीबीआई के अधिकारी डटे हैं, एक एक कमरे की तलाशी ले रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच दोस्तों, इन सबके बीच राबड़ी देवी के साथ दुर्व्यवहार की जो खबर सामने आ रही है इसकी घोर निंदा की है आरजेडी के नेता व प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने। साथ ही केंद्र सरकार को चेताया भी है आरजेडी ने। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, एक एक अपडेट आपको लगातार हम दे रहे हैं। धन्यवाद।